नमस्कार सभी आंगनबाड़ी बहनों का फिर से एक और नई वीडियो में स्वागत है बहनों आज की जो पत्र है बिहार आंगनबाड़ी बहनों के लिए जारी की गई है और इस पत्र के अनुसार जितनी भी आंगनबाड़ी बहनें हैं उनके पैसे को खाते में हस्तांतरित यानी खाते में रोकने की बात की जा रही है यहाँ पर सिर्फ सभी आंगनबाड़ी बहनों के लिए नहीं है लेकिन जो चयनमुक्त आंगनबाड़ी बहनें हैं उनसे संबंधित पूरी जानकारी है इसमें क्या क्या उनको वंचित किया जाने वाला है किस किस कारण से उनको पैसे नहीं दिए जाने वाले हैं इसके बारे में बताया गया है तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि वीडियो आप सभी के लिए भी जरूरी है जो जो आंगनबाड़ी बढ़ाने चयनमुक्त नहीं हुई हैं यहाँ पे देखिए हमने बताया था कि जो पत्र है ऑफिशियल लेटर है ये बिहार सरकार द्वारा जारी किया गया है और यहाँ पे जो दिनांक है बाईस बारह दो यानी थोड़ी पुरानी खबर यहाँ पे है यहाँ पे देखिए लिखा गया सेवा में सभी बाल विकास परियोजना पदकारी यानी बिहार के जितने भी प्रोग्राम पदकारी हैं सभी डीएम को ये पत्र जारी किया गया है विषय में देखिए लिखा गया है मुक्ति सेविकाओं के आंगनबाड़ी विकास समिति के खाते में राशि हस्तांतरित नहीं करने के संबंध में यानी जो भी आंगनबाड़ी बहने मुक्त हुई हैं उन सभी आंगनबाड़ी बहनों को खाते में रा, राशि जो पैसे होते हैं उनको नहीं देने के संबंध में यहाँ पे लिखा गया है अब देखिए यहाँ पे जो नीचे पूरा दिया गया है इसमें बताया गया किस कारण से आंगनबाड़ी बहनों को पैसे नहीं दिए जाएंगे और कौन कौन से पैसे उनको नहीं मिलेंगे यहाँ पे देखिए हम बाइबल से पढ़ते हैं जो पहला लिखा गया है भाई भाई महाशय उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक उनतीस नौ दो हजार तेईस से आंगनबाड़ी सेविका सहायिका हड़ताल पर थी हड़ताल की अवधि में कई आंगनबाड़ी सेविका का चयन रद्द किया गया ये आप सभी को पता है कि उनतीस नौ से ही जो आंगनबाड़ी बहने हैं प्रदेश भर में हड़ताल शुरू किया गया था और इसके बीच जो आंगनबाड़ी बहने हैं नहीं मान रहे थी अपने कर्तव्य पर वापस नहीं आ रही थी उनको चयन रद्द यानी चयन मुक्त भी किया गया था यहाँ पर देखिए लिखा गया है चयनरथ सेविकाओं को पोषाह एसएजी पोषाहार अंडे की राशि एवं दूध सुधा चूर्ण आदि किसी भी स्थिति में नहीं दी जाएगी यहाँ क्लियरली बताया जा रहा है कि जो भी आंगनवाड़ी बहने चयनमुक्त हुई हैं यानी जिनको अपने कर्तव्य से हटाया गया है उन सभी आंगनवाड़ी बहनों को नहीं पोषाहार का राशि दिया जाएगा और जो अंडा की राशि होती है सुधा दूध जो पाउडर मिलता है बच्चों को देने के लिए उसकी भी सुविधा बिल्कुल सही नहीं दी जाएगी क्योंकि वो सभी आंगनबाड़ी बहने हड़ताल के कारण से चयनमुक्त हुई हैं यहाँ पे देखिए नीचे लिखा गया है बाल विकास परियोजना पदकारी की यह व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी कि चयनमुक्त सेविकाओं से संबंधित आंगनबाड़ी विकास समिति के खाते में किसी भी प्रकार की राशि न दी जाए अब देखिए यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है यहाँ पे बताया गया है कि बाल विकास परियोजना पदकारी यह व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी इनकी व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी जिनके अनुसार जो भी आंगनबाड़ी बहनें चयनमुक्त हुई हैं उनके खाते में उनके मानदेय से रिलेटेड या किसी कार्य से रिलेटेड कोई पैसा नहीं दिया जाए और इसके बाद अंतिम में यहाँ पे लिखा गया है इसे अति आवश्यक समझा जाए यानी ये बहुत जरूरी है इसे करना बहुत ही अनिवार्य है तो अब बात आती है आंगनबाड़ी बहनों के लिए कि जो जो आंगनबाड़ी चयन चयनमुक्त हुई हैं क्या उनको सच में पैसे नहीं दी जाएंगी तो इसके लिए हम बता दें कि जो भी आंगनबाड़ी बने चयनमुक्त हुई है उनको तो फिलहाल तो यहाँ पे पैसे नहीं दिए जाएंगे अगर उनका जो मानदेय है वो भी बकाया होगा तो मानदेय भी शायद नहीं दिया जाएगा लेकिन जब उन वो अपने कर्तव्य पे वापस आ जाएंगी तो उनको पूरे जोर चेत के साथ यानी उनको जितना भी मानदेय बचा हुआ है या जितने मैंने उन्होंने कार्य किया था उनका पैसा दिया जाएगा और जब से वो कार्य करेंगी उस समय से फिर से उनका नया राशि बनना शुरू होगा और फिर से आपको पोसार राशि दिया जाएगा अंडे की जो राशि होती है जो बच्चों को खिलाने के लिए दी जाती है वो भी दी जाएगी और जो सुधा तो चूर्ण पाउडर होता है ये भी दी जाएगी तो इसमें आप सभी घबराने की बात नहीं है लेकिन फिलहाल यानी अभी के डेट में अभी आप सभी को कोई पैसे की सुविधा आपको उपलब्ध नहीं कराई जाएगी बाल विकास परियोजना पदकारी को भी निर्देश दे दिया गया है कि आप इसको व्यक्तिगत जिम्मेदारी समझें और किसी भी मुक्त आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका बहन के मतलब खाते में कोई भी राशि प्रदान न की जाए वो उनके मानदेय से जुड़ी हो या पोषाहार से जुड़ी हो किसी प्रकार की राशि जो ना हो तो यहाँ पे देखिए इस पथ के अनुसार बिल्कुल सही और यहाँ पे सटीक बात दी गई है जिनसे सभी आंगनबाड़ी बहन नाराज तो होंगी जो चयनमुक्त हुई हैं और अगर आप चयन मुक्त आंगनबाड़ी बहन इस वीडियो को देख रही हैं तो इसे अन्य आंगनबाड़ी बहनों के पास शेयर कीजिए जिनके अनुसार पता लग सके कि चयनमुक्त आंगनबाड़ी बहनों के साथ कितना अन्याय और अन साफ यहाँ पे किया जा रहा है यहाँ पे देखिए नीचे जो विश्वसनीय आई सी डी का साइन दिया गया है और जो लेटर है बाईस बारह दो तेईस को यहाँ पे प्रकाशित किया गया है हालांकि लेटर थोड़ी आ, बाद में हमारे पास पहुंची इसलिए हमने सोचा कि आपको जानकारी दे दें तो आपको जानकारी कैसे लगी अगर इसी प्रकार की जानकारी और भी चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि हम आंगनबाड़ी से जुड़ी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के लिए लाते रहते हैं हम फिर से ज़रूर मिलेंगे एक और नई और बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद